year, we must be free from evil thoughts. Cleanliness of mind will promote spiritual perfection and happiness. It is said that if health is lost, everything is lost. So, to have a good health, we must have a habit of cleanliness. Allah exists only in a pure mind. We can have a pure mind by speaking truth. Tang dasti gar na ho salik, tang dasti gar na ho salik, tandrusti hazar nemat. So, here come little artists of second day with their beautiful skit, cleanliness and health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. बैठ जाइए. आज हमारे स्कूल में डॉक्टर साहब आई है. वो आज आपको आपकी सेहत के बारे में कुछ मुफीद बातें बताएंगे. जी सबा, क्या वो हमको इंजेक्शन देंगे? नहीं बेटा, वो आपको इंजेक्शन नहीं देंगे. वो आपको आपकी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में कुछ मुफीद बातें बताएंगे. बैठ जाइए. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आइए डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बैठ जाइए. आज हम आपको आपकी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में कुछ मुफीद बातें बताएंगे. अल्लाह ताला की दी अच्छी सेहत का हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए. हमें रोज़ाना नहाना, दिन में दो बार ब्रश करना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, सब्जी और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऐसी चीज़ जो हमारी सेहत के लिए मुज़ीर है इनसे परहेज करना चाहिए और इसके साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना चाहिए. इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है और हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं. बच्चों, अब आप डॉक्टर साहिबा से सवाल कर सकते हैं. अच्छा, अब आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. जी पूछिए. डॉक्टर साहिबा, मेरे दांतों में बहुत दर्द होता है और कभी कभार खून भी निकल आता है. इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप दिन में दो बार ब्रश करते हैं या नहीं? नहीं, कभी कभार करते हैं. इसीलिए आपके दांतों में दर्द होता है. हम जो खाना खाते हैं उसके जरात हमारे दांतों और जबान पर बाकी रह जाते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है और इनमें दर्द होता है और कभी कभार खून भी निकल आता है. जज़ाकअल्लाह खैर डॉक्टर साहब, अब से मैं दिन में 9 मरतबा ब्रश करूंगी. बैठ जाइए. जी पूछिए. डॉक्टर साहब, हमारे पेट में बहुत दर्द होता है और मुझे भूख भी नहीं लगती, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोए हैं या नहीं इसका ध्यान रखना जरूरी है. अगर हम अच्छी तरह से हाथ धोकर खाना नहीं खाते तो हमारे हाथ पर लगे हुए जरासीम हमारे पेट में चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है. और इसके अलावा हाथ धोकर खाना खाना हमारी सुन्नतों में भी शामिल है. ओके डॉक्टर साहिबा. बैठ जाइए. जी पूछिए. डॉक्टर साहिबा, मेरे सर में बहुत दर्द होता है, इसकी वजह से मैं स्कूल भी नहीं आ पाती. सर में दर्द अक्सर नींद ना होने की वजह से हो सकता है, इसीलिए हमें वक्त पर सोना और वक्त पर उठना चाहिए. यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए. आजकल मोबाइल फोन का भी बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी सर में दर्द होता है. बैठ जाइए. जी पूछिए. डॉक्टर साहेबा, मुझे चश्मा लगा, मैं इसके लिए क्या एहतियात करूं कि मेरा चश्मा निकल जाए? आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और चश्मा हमेशा लगा रखें. मोबाइल फोन टीवी का इस्तेमाल कम करें. जज़ाकअल्लाह खैर डॉक्टर साहेबा, अब सब इन बातों पे अमल करूंगी. बैठ जाइए. जी पूछिए. डॉक्टर साहिबा, हमारी सेहत के लिए बाहर का खाना कैसा है? बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए मुज़ीर है, इससे हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती है. आजकल जिस तरह का खाना बाहर मिलता है उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और इसमें बहुत ज्यादा तेल मसालों का इस्तेमाल होता है जो हमारी सेहत के लिए मुज़ीर है.
बैठ जाइए जी। पूछिए। हम हमारे अम्मी जान के हाथ का बना हुआ ही खाना खाते हैं। हमारे अम्मी जान को बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना खिलाते हैं। शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हमें अपने अम्मी जान के हाथों का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्कूल में आने के लिए। इंशाल्लाह आपसे तमाम बच्चे इन सब बातों पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। माशाल्लाह, वेरी गुड।